नमस्कार, मैं अनिरुद्ध आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान डेयरी फार्मिंग में आप सभी दर्शकों का कैमरामैन पारुल पन्नू के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पहुंचे हैं गांव बड़ी शिगरी खुर्द है भाई साहब, खुर्द है भाई, बड़ी शिगरी खुर्द के अंदर बिल्लू भाई के डेयरी फार्म पर, जो एक अनुभवी पशुपालक है और एक युवा साथी जो इस पशुपालन डेयरी व्यवसाय में जो एक से एक अच्छे जो मूरा का पशुधन है वो उन्होंने तैयार करके दिखाया है। और आज इसी कड़ी में उनका जो पशुधन है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। और हमारा वीडियो बनाने का एक यही मकसद रहता है कि जो हमारे युवा साथी हैं जो इस फील्ड में कड़ी मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत आप लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे मेरे युवाओं का भी रुझान इस पशुपालन डेयरी व्यवसाय की तरफ बढ़े और वो इस डेयरी पशुपालन डेयरी व्यवसाय की तरफ आकर एक अच्छा खासा मुनाफा संदीप से मिलाते हैं। और इन पशुधन के बारे में तो संदीप सर से जानना चाहेंगे क्या कुछ डिटेल है, तो संदीप सर के बारे में भी थोड़ी डिटेल आपको बता दूं। कई वर्षों से हम संदीप सर से जुड़े हुए हैं और इस पूरे एरिए में कैथल के अंदर आता है गाँव के अंदर, तो कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये गाँव आता है। तो पूरे एरिए में जो एक अच्छे जो टॉप सिलेक्टेड बुल है वो उन्हीं का सीमन यूज करते हैं, और जो एक आम पशुपालक है उनको भी इस अच्छे सीमन के प्रति जागरूकता फैलाते हैं और यूज करने की भी उनको एक अच्छी सलाह देते हैं। तो इस एरिए में जो नए नए पशुपालक थे, तो बहुत सारे जो पशुपालक हैं वो एक से एक अच्छा जो पशुधन है वो तैयार करने में कामयाब रहे, तो उनका कहीं ना कहीं जो संदीप सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो जिन्होंने अच्छे सीमन के प्रति जागरूकता फैलाई। तो सर नमस्कार। नमस्कार अनुरोध भाई। तो सर पहले तो जो हमारे व्यूवर हैं उनको अपना गांव का एड्रेस और पूरी डिटेल से बताइए। अनुरोध, मैं डॉक्टर संदीप, बड़ सिकरी गाँव अपना, तहसील कलाय, जिला कैथल है भाई। ठीक है। आज अपना बड़ा भाई बिल्लू बाहर है, आज उसकी जगह पे मैं डिटेल दूंगा आपने। ठीक है। हाँ। तो बताएं जो एक नंबर पर भाई या तीसरा भी तो मैं ही बन। ठीक है। और डेढ़ महीना ही प्रेगनेंट हो गया, शेरे हिंदुस्तान है। हाँ, तो इसमें आज 18+ दूध है। ठीक है। तो इसका ही बापे HLDB में रिकॉर्ड करावांगे, फार्म भर रखे को यहाँ भी है इसके। ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये अपने घर की है, आप लेके आए थे या भाई? आप इसकी फर्स्ट ब्यांत में लेके आए थे, पीछे भी अपना पे थी, भी अपने दे दी थी भाई, तब मीत कसानी आता है। ठीक है। तो इस दुनिया कम महीने पहले लेके आए यहाँ पे। ठीक है। हाँ, तो दूध क्या कुछ निकाला भाई? इसकी उस टाइम पर मीत के भी 22 किलो दूध निकाल लिया। ठीक है। हाँ, तो फिर मीत अपने दूसरी रोटी दे दी, ताजी भी आया हुआ ब्याई हरिया ले ली। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये देख सकते हैं एक दुधारू नस्ल का ही जो पशुधन है वो अपने फार्म पर लेके आते हैं और साथ ही साथ दूध को रिकॉर्ड करवाने का भी काम करते हैं। एक और जो पशुधन है उनका लाइव चलवाई थी ना सर इसकी? हाँ, लाइव चलवाई थी। तो इस पशुधन की है तो उन्होंने जो लाइव मीटिंग करके दिखाई थी, तो काफ़ी सराहनीय कार्य है। हालांकि मैं आप लोगों को बताना जरूर चाहूँगा, सर्दी का टाइम है और साथ ही साथ बारिश का मौसम है, तो बिना मेकअप के बिना डेंटिंग पेंटिंग के आप पशुधन को देख सकते हैं। उसके बाद भी देख सकते हैं काफ़ी लाजवाब जो पशुधन आपको देखने को मिलेगा। तो बाहर है, बाहर हम इसको खोल के दिखा नहीं सकते, तो कभी जिस दिन अच्छा मौसम होगा तो एक दिन दोबारा से जो सर का पशुधन है उसको कवर करके दिखाएंगे। थोड़ी अदर क्वालिटी दिखा दें, क्या मैं इनसे कहना बोलना चाहूँगा, अदर क्वालिटी दिखा दें। ठीक है, ठीक है, ये आएंगे। तो बच्चा कौन से बुल का दिया, थोड़ा बताइए। भाई इसका बच्चा कौन सा सर? दन्ना। दन्ना बुल? हाँ, दन्ना सोरकी। हाँ, दन्ना। ठीक है। तो इसके बारे में बताइए। ये भाई साहब अनुरोध या तो सबने देखी थी अपने, कुछ दिन पहले 10-15 दिन हो गए लाइव रिकॉर्ड कराया था या पांचवा ब्यांत में। ठीक है। 23 किलो 460 ग्राम दूध तला था भाई इसका। 23 किलो 460 ग्राम दूध, तो इसमें उस टाइम भी 25 से 25 चल रही थी। जिस दिन आपने खाली कराई नहीं उसे दिन इट में गया, सारे भाई आए थे उसे दिन इसका AI करी थी आपने, उसी दिन। तो आपने मेरा इट में पाछे 2 किलो 1.5 किलो दूध तोड़ दे। तो देख सकते हैं काफी शानदार जो पशुधन है उसको आप वीडियो के माध्यम से साफ साफ देख सकते हैं। सबका कहना है कि 25 लीटर दूध इसके नीचे मौके पर तैयार था, तो हिट में आने के कारण और साथ ही साथ उसी दिन AI करी थी भाई, हाथ डालने से भी जो पशुधन इसका नवाब का आपने सीमन रख रखे भाई। ठीक है। तो 2 से 2.5 किलो दूध कम कर देता पशुधन हिट में आने के। इसका नीचे कटड़ी है बेताबगी। बेताबगी, ठीक है। नीचे फीमेल का है, ये देख सकते हैं 5th location में है, अटर क्वालिटी है, काफ़ी शानदार। और 23 किलो 460 ग्राम दूध रिकॉर्ड करवाया लाइव मीटिंग
तो भाई साहब ने जो इसकी सुनवाई थी बात करें ये देख सकते हैं। हालांकि पशुधन है दोनों सिंह अपने खराब करवा चुका है, सुंदरता की तरफ न जाए दूध की तरफ जाए, तो डॉक्टर साहब से भी जानकारी लेना जरूर चाहेंगे। तो सर बताएं आज की जो युवा है भाई अनुरोधा आप युवा था एक बात कहना चाहवा तो एक देख लिया भाई जमा सुंदर मैस ले लिया कट्टू उसका कोई फायदा नहीं, लेकिन आपा ने जो दूध का पशु है नहीं उस पर प्रॉफिट मिलागा। अगर बढ़िया दूध की है तो आगे बच्चे भी बढ़िया दूध की देगी, बढ़िया सीमन यूज करो और बढ़िया भैंस का चून का लिया अगर कोई लानी है तो दूध आई। ठीक है, पहले अब तो जो हमारे युवा पशुपालक है उनका फोकस यही रहना चाहिए कि एक भाई दूध की लाइन पकड़े, दूध की लाइन पकड़ा सुंदरता साथ के साथ सुंदरता मिल जाए तो बढ़िया सीमन रखेंगे नहीं सुंदरता तो आप आवेगी। अगर मैं ऐसे कि दूध की है और सुंदरता नहीं है तो बढ़िया सीमन तो सुंदर बच्चे आओगे आगे उसके और दूध के भी आवेगे। तो काफी अच्छी जानकारी दी। एक और जो सामने देख सकते हैं कटड़ी, इसको इसके बारे में बताएं। अनुरोध दो दांत हो गए भी होगी गोलू टू की खुद है ठीक है और बात की हो लिया भाई साहब इसकी भी हो गए 35-40 दिन तो गोलू टू की सम्राट थे मुकेरिया तक आगे गई है भाई यहाँ। ठीक है, तो एज कितनी बताई आपने इसकी? एज इसकी होगी भाई 26 मंथ 26 महीने दांतों में या उन्नीस अभी दो दांत होगी भाई अभी दो दांत हुई है तो माँ का माँ का 18-19 किलो भाई लेकर आए थे आप लेके आए अगला ने 18-19 किलो बताया था अपना। ठीक है, तो मैं कटड़ी को दिखाना जरूर चाहूंगा एक बार दिखाए घुमा के। तो गोलू टू की सर ने बताया है कि ये फीमेल है और बात करें सुंदरता है चेहरा मोरा है, किसी प्रकार की कोई नोक चौक आपको इस पशुधन के अंदर देखने को नहीं मिलेगी और देख सकते हैं बिल्कुल रिंग आकार में छोटे सिंह की सिंहों की जो बनावट है हाइट और जो लेंथ है कैमरामैन से कहना जरूर चाहूंगा पूरा का पूरा पशुधन है वो कवर करके दिखाएं। जो लंबाई है ऊंचाई है काफी शानदार काफी भारी भरकम जो शारीरिक बनावट है और ये देख सकते हैं पूंछ की चौड़ाई दिखा दें एक बार ये देख सकते हैं पूंछ की जो लंबाई है और बात करें चौड़ाई ये देख सकते हैं तो काफी शानदार और बात करें जो पूंछ है पूंछ में ये देख सकते हैं नामात्र के बराबर ही जो सफेद बाल आपको इस पशुधन के अंदर देखने को मिलेगा और बॉडी वेट है बात करें तो काफी शानदार। अगर भाई अनुरोध कोई अच्छा बाहर आवा सेल भी कर दे सेल के लिए भी अनुरोध है। ठीक है, तो कोई अच्छा जो सीरियस बायर्स है पशुधन खरीदने का इच्छुक है जो ब्रीडिंग के ऊपर काम करना चाहता है तो गोलू टू बुल है तो उसका भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है और उसकी ये बच्ची है और जो कौन से बुल से प्रेग्नेंट करवाया सम्राट थे मकेरिया दवाई तो सम्राट के नाम से जो बुल है तो उसे इसको गर्भधारण करवाया गया है और खरीदने का कोई इच्छुक है तो सर का कॉन्टैक्ट नंबर भी है वो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा देंगे। तो और क्या कुछ जो हमारे युवा साथी हैं जो आज के टाइम बेरोजगारी का सामना करते हुए भी इस पशुपालन डेयरी व्यवसाय को हीन और तिरस्कृत भावना से देखते हैं तो उनको क्या कुछ संदेश भाई आप एक बात कहां देखा आज ना तो इतना खेती में मुनाफा रहा और ना ही कह दिया भाई पढ़ रहे बहुत कोई रोजगार नहीं किसी ने भाई अपना गांव में देख ले कितने भाई नहीं हुए दिन लाए अगर कड़ियां भी बाहर फैक्ट्री में काम कराएगा भाई 15,000 देके 10,000 रुपये खर्चा आ जाएगा 5,000 रुपये बचाई होती उसका अच्छा भी तो नहीं हुआ। दो बढ़िया वाली भैंस ले आ गए उन पर ब्रीडिंग पे काम करो आने वाले टाइम लागेगा 3 साल लाग जो 4 लाग जो वह बहुत बड़ा मुनाफा देगी क्योंकि आज जो पशुधन है नहीं बहुत महंगा हो गया और आने वाला टाइम में भाई और भी तेज हो आ गई। ठीक है, और काम करो ब्रीडिंग पे काफी अच्छी जानकारी दी। तो सर एक बार बताए जो बिल्लो सर है वो कितने वर्षों से इस पशुपालन डेयरी व्यवसाय में भाई जो छोटे छोटे थे हम ज्यादातर लग गए थे उस टाइम में ज्ञान गुण था लेंदे झोटिया बकराया लेंदे नहीं हुए भाई ज्ञान गुण को बढ़िया पशु नहीं मिले सही तो डर था हम 5 साल तक लग रहे हैं अपना मोहित बुल भी हो करता कई मेले जीते सारे भाई ने पता है तो उसके बाद में बढ़िया बुला अपने बढ़िया पशु लेने लग गया थे। तो ये देख सकते हैं एक साधारण किसान थे और आज के टाइम जो एक अच्छे खासे जो ब्रीडिंग ब्रीडर हैं उनमें बिल्लू सर की गिनती होती है। मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन घुमा के दिखा दें एक बार जो इनका पशुधन है उन्होंने जो अवार्ड जो जीते हुए हैं तो उनको आप वीडियो के माध्यम से साफ साफ दे सकते हैं पूरा का पूरा जो डेयरी फार्म है इनका तो जो ब्रीडिंग के ऊपर काम किया और जो ब्रीडिंग का नतीजा उसको आप वीडियो के सामने साफ साफ देख सकते हैं। तो हर पशुधन में जो बिल्लू सर ने उनके ऊपर मेहनत की थी तो पशुधन ने उनको निराश नहीं किया और काफ़ी अच्छा मान सम्मान इनको दिलाया। ये देख सकते हैं सामने कौन सा बुल है सर ये अपना ये तोड़ा भी डिडवाड़ी गए थे उनकी सम्मानित अच्छा, नहीं उड़ा है उड़ा गई थी उनकी सब तक गई थी। ठीक है, ठीक है,
ये अपना धंधा का भाई अनुभव। तो ये धंधा का बहुत अच्छा बच्चा है रे। तो कटड़ी की एज कटड़ी की एज कितनी? कटड़ा की अभी 4 महीने का हो गया। तो 4 महीने का, हां। तो उसी का मैं, हां, पहली फर्स्ट वाली का ही, फर्स्ट वाली का, हां। तो ये अपनी बेताब की कटी आएगी। तो ये बेताब की है, हां। या दो ही बार अपना दूध रिकॉर्ड कराया था, नहीं उसकी काटी है, तो उसकी कटड़ी है बिल्कुल। तो ये टैग है वो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, और देख सकते हैं सिर्फ 2 से 4 बाल ही जो इसके अंदर पूछ के अंदर सफेद देखने। और बेताब के बच्चे का एक और आ रहा अनुरोध है, पुट्ठा बढ़िया मिला और पतली नैन मिला, बिल्कुल पतला मुंह, ठीक है। तो जो ये बेताब मूल है कौन से भैंस का कटड़ा है बताएंगे भाई? वो HSB का सुरेंद्र भाई के पास है, ठीक है। शायद वो उसका तो नहीं हो सुखबीर वाली ना, शायद पतन तो यू इस वाली चैंपियन है, पतन लाड होगा भाई, ठीक है, ठीक है, हिम्मत है, ठीक है। तो काफी अच्छी जानकारी दी, हालांकि मौसम खराब होने के कारण जो पशुधन है बाहर खोल के नहीं दिखा पाए उसके लिए माफ़ी जरूर चाहेंगे। नेक्स्ट टाइम कभी अच्छा मौसम होगा तो सर की वीडियो कवर एक बार दोबारा करने के लिए आएंगे, और आपको पूरा का पूरा पशुधन है बाहर खोल के दिखाया जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल किसान डेयरी फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर कमेंट करें। और सर एक बार आपका कॉन्टैक्ट नंबर बताएं, अगर कोई सीरियस बायर्स पशुधन खरीदने का इच्छुक है तो 98,001, 98,005। तो ये संदीप डॉक्टर सर का कॉन्टैक्ट नंबर है। अधिक जानकारी पशुपालन डेयरी व्यवसाय के बारे में और पशुधन के बारे में और ब्रीडिंग के बारे में आप सबसे जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।